वेलकम गाइस। तो आपने कभी पिंक म्यूटू के बारे में सुना है? नहीं ना। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूटू के सारे फॉर्म्स के बारे में, जिसके अंदर पिंक म्यूटू भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, जिस दिन का मैं, आप, आशु और हम सब इंतजार करते थे 90 दिनों से, वो डे आज आ चुका है। अब हमारे चैनल का नाम बबीता दुबे से पोकेविला जी हो चुका है। तो इसी खुशी में क्या क्या तुम रिकॉर्ड को वीडियो खिलाने वाला है? अरे कितने खिलाएगा, बताना बताना बताना, जल्दी बता। अबे चुप कर, मैं इंट्रो की बात कर रहा था। चलो इंट्रो लगा। ओके मेरे पास। तो जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं कि पोकेमोन के फॉर्म्स क्या होते हैं। पोकेमोन के फॉर्म्स एक तरह से पोकेमोन के इवोल्यूशन ही होते हैं, लेकिन वो इवोल्यूशनरी लाइन के अंदर नहीं आते हैं। टाइमपोल, पार्पिटोड एंड सासमेटोड, ये एक पोकेमोन के इवोल्यूशनरी लाइन है जो कि एकदम कॉमन है, लेकिन पोकेमोन के फॉर्म्स इससे अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए स्वैशबक को। स्वैशबक के तीन फॉर्म्स हैं, विंटर, समर एंड ऑटम। तो अब तो आप फॉर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। लिस्ट के अंदर हम मांगा, एनिमे, लीक्स, गेम्स एंड मैगजीन से पोकेमोन को ऐड करने वाले। वीडियो के बीच में मैं आपको म्यूटू के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको सुन के आपका सिर हिल जाएगा, तो यार बोर होने का 1% भी चांस नहीं बनता। ओएमजी म्यूटू फैक्ट्स। अब यही देखना बाकी रह गया था। ओएमजी कल की कॉपी क्यों कर रहा है? करनी है तो ढिंचक पूजा की कॉपी करना। ओके नाच के पागल हो जाओ, जहां भी दिखे तकिया चादर टान के सो जाओ, नाच के पागल हो जाओ, नाच के पागल हो जाओ। म्यूथ्री तो सुनकर चौंक गए, लेकिन पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर रियलिटी में म्यूथ्री एग्जिस्ट करता है। अच्छा मतलब कुछ भी? तो उस तरह म्यू 4, म्यू 5, म्यू 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे म्यूटी होंगे। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, ये पोकेमोन का ऑफिशियल पोकेमोन है। क्या प्रूफ है तेरे पास ये पोकेमोन रियल है? शाहरुख खान की फटी हुई अंडरबियर, चुप कर जा। प्रूफ देता हूँ मैं। तो ये पोकेमोन एक ऑफिशियल पोकेमोन की मांगा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक क्लिफारी थी जिसको म्यूटू का 3% डीएनए मिल गया था, एंड वो डीएनए उसने अपने तरह मिक्स कर लिया और उसे वो म्यूटू जैसे बदलने लग गई, और फिर बदल के एक पोकेमोन में बदल गई और वो अपने आप को म्यूथ्री कहने लग गई। तो ये रहा आपका म्यूथ्री। पिंक म्यूटू जो सुनकर सिर चकरा गया ना, आप लोग सोच रहे हो कैसी नॉनसेंस की बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप जो म्यूटू को देख रहे हैं वो पहले पिंक कलर में होने वाला था। म्यूटू भी दिखने में एक बैड गाय की तरह लगता है, लेकिन पिंक फॉर्म में जरूर वो आलिया भट्ट की तरह लगता। म्यूटू के इस फॉर्म को आप अनसीन पोकेमोन या फिर डेल्टा पोकेमोन भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है म्यूटू म्यू को डीएनए से क्रिएट किया गया है, एक तरह से म्यूटू म्यू का एडवांस वर्जन है, और इसलिए म्यूटू एंड म्यू के अंदर बहुत सारी इक्वालिटीज हैं, जैसे कि उनकी टाइपिंग, उनकी पावर लेवल एंड उनका लुक। इन दोनों पोकेमोन को सिमिलर दिखाने के लिए पोकेमोन कंपनी ने स्टार्टिंग के अंदर म्यूटू का कलर पिंक ही रखा था। अगर आप म्यू के कलर पर नोटिस करेंगे तो वो बेबी पिंक है, एंड दैट्स व्हाई म्यूटू का कलर भी बेबी पिंक होने वाला था, लेकिन बाद में इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। ओह शुक्र है म्यूटू का कलर पिंक नहीं रखा गया, नहीं तो मैं आलिया भट्ट और म्यूटू को पहचान ही नहीं पाता। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। तो क्या आप रियलिटी में म्यूटू को पिंक दिखना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं सच में? तो आप देख सकते हैं, एनिमे के अंदर दिखाए गए पिंक एंड बेरीज को खा के म्यूटू पिंक कलर का हो सकता है। क्यों है ना कि इंटरेस्टिंग फैक्ट। मेगा म्यूटू एक्स एंड मेगा म्यूटू वाई, ये म्यूटू के मेगा एवोल्यूशन के फॉर्म्स हैं, एंड इनके बारे में आप लोग पहले से ही बहुत कुछ जानते होंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाने वाला हूँ, बस छोटा भी हम जितनी छोटी बातें करने वाला हूँ। मेगा म्यूटू वाई की स्पेशलिटी उसकी स्पीड है, एंड मेगा म्यूटू एक्स की स्पेशलिटी उसके फाइटिंग स्किल्स हैं। मेगा म्यूटू एक्स एंड वाई के स्टेट्स आसमान छूते हैं, जो कि 718 है। तो इतना बहुत है, तो हम बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। पोकेमोन की एनिमे के अंदर कभी भी मेगा म्यूटू एक्स नहीं दिखाया गया है, एंड इसलिए 30% लोगों को यही नहीं पता है कि मेगा म्यूटू एक्स भी एग्जिस्ट करता है। क्यों, ये सुनकर चौंक गए ना? मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ही जनरेशन 5 के जनरल सेक्ट वाली मूवी के अंदर म्यूटू को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, वो भी मेगा म्यूटू वाई के फॉर्म में, एंड उस टाइम वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा था एंड कौन से पोकेमोन में इवॉल्व हो रहा था ये बात किसी को नहीं पता थी, एंड इस कारण फैंस के बीच में बहुत गर्मा गर्मी बढ़ गई थी, एंड उस टाइम से बहुत सी थ्योरीज बनी कि म्यूटू किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, एंड फैंस को इसका आंसर करीबन 2-3 साल बाद मिला पोकेमोन एक्स एंड वाई के अंदर। म्यू 4, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, म्यू 4। देखा देखा मैंने पहले कहा था ना, म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5, म्यू 6, म्यू 7, म्यू 8 सब होंगे, एंड इसके बाद ये पक्का म्यू 5 का नाम लेने वाला है। अरे नहीं बस इतना, म्यू 4 तक ही है, म्यू 5 नहीं है। चल चल यहाँ से कल्टी मार, चल चल।
म्यू 4 के बारे में। ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इतना पता है ये एक मांगा का लीक है, यानी कि मांगा राइटर या फिर किसी और ने इसको लीक कर दिया फैंस के बीच में। एंड ऐसे ही कुछ कारणों के कारण म्यू 4 कभी भी मांगा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। एंड इस लीक की सिर्फ एक ही फोटो है जिसके अंदर म्यूटू की अपर बॉडी दिख रही है। इस पिक के अंदर म्यूटू का हेड, फेस, चेस्ट, लेग्स, टेल एंड विंग्स दिखाए गए हैं। एंड अगर आप म्यूटू के टेल के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक डेविल की टेल से बहुत मेल खाता है। एंड ऐसी टेल सीधे डेविल की तरफ ही इशारा करती है, यानी कि एक पोकेमॉन डेविल होने वाला था। एंड इसका एक और प्रूफ है कि इसके विंग्स बिल्कुल वैम्पायर की तरह हैं। एंड इससे ये बात 100% श्योर हो जाती है कि ये स्टार्टिंग में एक डेविल होने वाला था। म्यू 4 पे मैंने एक थ्योरी बनाई है कि ये क्यों मांगा के अंदर नहीं आ पाया। शायद इसलिए मांगा के अंदर नहीं आ पाया क्योंकि उस टाइम के बच्चे डेविल से बहुत डरा करते थे। एंड दैट्स व्हाई पोकेमॉन कंपनी को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको म्यू 4 अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अरे लाइक कर दिया, मेरे कहने पर लाइक कर दिया, अरे थैंक यू भाई, जबरदस्त। नेक्स्ट फॉर्म पे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं पोकेकुस के बारे में। नेक्स्ट पोकेकुस ऐसा कौन सा पोकेमोन है जिसको वेदर पोकेमोन कहा जाता है? अगर कुछ पोकेकुस का आंसर पता है तब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अगर आपका आंसर सही हुआ एंड आपने सबसे पहले 5 बॉन्ड में आंसर दिया तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेने वाला हूं। पुराने पोकेकुस के विनर्स वीडियो के एंड के अंदर बताए जाएंगे, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। आर्मर म्यूटू, ये म्यूटू का पहला इंप्रेशन था जो कि फैंस ने देखा था। एंड उस टाइम सब लोग सोच रहे थे कि इस आर्मर के पीछे कौन सा पोकेमॉन छुपा बैठा होगा। एंड कितने लोगों को तो यही लगा था कि ये आर्मर इसी का बॉडी पार्ट है। लेकिन जब फैंस को पता लगा कि इसके अंदर म्यूटू छुपा हुआ है जो कि एक आर्टिफिशियल पोकेमॉन है एंड वो एक ह्यूमन मेड पोकेमॉन है, तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। जो आर्मर म्यूटू के फॉर्म के अंदर म्यूटू ने आर्मर पहना है उसे उसकी पावर बूस्ट नहीं होती बल्कि उसकी पावर कम और कंट्रोल में रहती है। एंड ये आर्मर टीम रॉकेट ने म्यूटू को इसलिए दिया था ताकि वो उसके पावर को कंट्रोल कर सके। लेकिन एंड के अंदर म्यूटू के सामने ये आर्मर भी नहीं टिक पाया और म्यूटू ने इसको तोड़ दिया। एंड उसके बाद हमको आर्मर म्यूटू कभी नहीं दिखा। आप लोगों ने बहुत सारे शैडो पोकेमॉन के बारे में सुना होगा, जैसे शैडो लुगिया एंड शैडो गैंगार। लेकिन सबसे पावरफुल एंड पॉपुलर जो शैडो पोकेमॉन है वो है शैडो म्यूटू, जिसको कई लोग डार्क एंड ब्लैक म्यूटू के नाम से भी जानते हैं। शैडो म्यूटू एक गेम का पोकेमॉन है एंड उस गेम का नाम है पोकेमॉन टूर्नामेंट। एंड उस गेम के अंदर शैडो म्यूटू एक मेन पोकेमॉन है जिसे हमको स्टार्टिंग में एंड एंड के अंदर बैटल करनी होती है। इतना ही नहीं, शैडो म्यूटू के पास मेगा एवोल्यूशन भी है जो कि शैडो म्यूटू को एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल बना देता है। शैडो म्यूटू का एक ट्रेनर भी है जो कि एक मिस्टीरियस गर्ल है। म्यूटू अब सख्त लौंडा नहीं रहा, वो लड़की के चक्कर में फंस गया। हाँ क्लो, इस बात में 10 रुपये का दम है। बहुत सारी पोके फैंस की डिमांड ये है कि शैडो म्यूटू के ऊपर एक सोलो मूवी बनाया जाए, नहीं तो उसको एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शैडो म्यूटू कितना पॉपुलर है। तो इतना इन्फो काफ़ी है, तो हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। इसके फैक्ट इससे भी लाजवाब है। इस पोकेमॉन का अब तक कोई भी टाइप, एबिलिटी, स्टेट्स या फिर कुछ भी नहीं बताया गया है। इतना ही नहीं, जो आप शैडो म्यूटू का मेगा एवोल्यूशन देखते हैं वो दिखने में म्यूटू एक्स की तरह लगता है। तो ऑफ कोर्स इसका म्यूटू वाई का भी फॉर्म होगा जो कि अब तक दिखाया नहीं गया है। तो आगे जाके अगर ये फॉर्म दिखाया जाए तो सोचिए कितना मजा आएगा, क्या लगेगा ऑसम मेगा म्यूटू वाई, वो भी शैडो फॉर्म में। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं पोकेकुस के विनर्स के बारे में। सोगा जो पोकेकुस के विनर्स हैं वह एलजे पोकेमॉन, गैलेक्टिक पॉइंट, शिभु मिर्धा, काजिक मलिक, साधनान घोष चौधरी। सो आप पांचों को कहूंगा कि आप हमारे पोकेकुस के विनर्स हैं। अगर आपने पोकेकुस मिस कर दिया तो जाइए वीडियो को शुरू से देखिए, आपको कहीं ना कहीं पोकेकुस मिल ही जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसका वेट कर रहे हो, लाइक बटन को क्लोज समझिए एंड उसके ऊपर जोर से मुक्का मारिए। एंड सब्सक्राइब बटन पे चार जड़ का फ्लेम थ्रो फायर किया एंड उसको रेड से ब्लैक कर दीजिए। एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मित्र सर्कल की तरफ से टाटा बाय बाय। अरे क्लो क्या गिरा दिया, चल अब आज के ऊपर वीडियो बनानी है, उसको उठा।